अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ी होगी कि उनको कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला बंदा चाहिए, कितना एक्सपीरियंस वाला चाहिए। अगर वहां पे आप फिट हो रहे हो तभी आपने ये एप्लीकेशन किया है। आप सोच रहे हो कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एकदम परफेक्ट हो क्योंकि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उतनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी उतना ही है, सब कुछ सही है। तो दोस्तों फिर उन लोगों ने इंटरव्यू लेने का क्यों सोचा है? इंटरव्यू में कुछ अलग से क्वेश्चंस भी पूछे जाने वाले हैं जहां पे आपकी इंटेलिजेंस चेक होने वाली है, आपका इंटरेस्ट उस कंपनी के लिए कितना है वो सारा सब कुछ चेक होने वाला है, आपका अदर फील्ड का नॉलेज, आपका दूसरा क्या नॉलेज है, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर ये सब क्या है, ये सारी चीजें वो लोग देखना चाहते हो। किसी भी बुरी सिचुएशन में आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो ये सारी चीजें इंटरव्यूअर देखना चाहता है और यही सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। यानी कि आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया है या फिर जो कुछ भी स्टडी किया है उससे ज्यादा कुछ आपको इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। और कुछ कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस मैं इस कोर्स में ही बाद में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और उसके सामने आप क्या जवाब दे सकते हो ये सब कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको कुल मिला के बात इतनी याद रखनी है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना भी हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कितना हो, आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। कुछ कॉमन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उसका जवाब आप किस तरह से देते हो वो बहुत ही मायने रखता है। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि हर क्वेश्चन का जवाब आप किस तरह से देते हो। दोस्तों यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस चेक होती है, आप कितने चतुर हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक होने वाली है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से प्रिपेयर करने हैं और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है।